गाइस ये जा रहे हैं आगरा, तो ये मेरे लिए लेकर के आएंगे पेठा। तो वो पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा पेठा लेकर के आऊँ तुम्हारे पंची लिए। पेठा नहीं, आगरा में पंची पेठा आपको स्टार्टिंग से मिल जाएंगे। वैसे तो सभी जगह मिल जाते हैं, ग्वालियर में भी हैं, मुरैना में भी हैं, सब जगह मिल जाएगा पंची पेठा। लेकिन आगरा की कुछ बात ही अलग है, क्योंकि वहाँ पे बनाए जाते हैं आगरा में दो चीजें मशहूर हैं। क्या मशहूर है? ताजमहल। पेठा नॉन वेज का तो खैर नहीं पता इतना, आगरा में इतना रुके कहाँ है। तो शादी वगैरह में गए हुए? शादी में नहीं गया, मैं तो अकीका एक ही बार गया। सेरेमनी गई अफ्रीका थी में ही क्या? गए हैं हम तो, एक ही बार गए हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं इनका बैग तैयार कर रही हूँ और इनसे पूछती जा रही हूँ कि आपको क्या क्या रखना है। तो बस जो जो चीज़ें इन्होंने बताई मुझे, वो सारी चीज़ें मैं इनकी रख दी हैं। और ये सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं, मतलब अभी रात में जा रहे हैं, सुबह रुकेंगे पूरा दिन और रात में फिर से लौट आएंगे वहाँ से। तो बस यहाँ पे अभी इनको लेने के लिए आ गया है छोटा बॉबी, यानी मेरा कज़िन, तो ये भी साथ में ही जा रहे हैं। ये अपने फ्रेंड्स के साथ में जा रहे हैं, तो इनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना बन गए हैं माशाल्लाह से। हाय, आ गए क्या? राइट लो जाएगा सही। पापा तो गए अपना दलिया केचा बनाए, वो बनना है चीटू दलिया। दलिया दलिया ए मोबाइल देख रहा है। अभी मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए, ये सेकंड वाला पोर्शन है हमारा। यहाँ पे हमारे कपड़े वगैरह वॉश किए जाते हैं, तो बस यहाँ पे अभी मैं मशीन लगा रही हूँ। मेरे काफ़ी सारे कपड़े जो है इकट्ठे हो गए थे, तो मैं सोची थी चले इकट्ठे ही धोएंगे। तो गाइस अभी ये चले गए ना, तो बहुत ज़्यादा सोना सोना सा लग रहा है, बहुत बेकार भी लग रहा है। ये हम दोनों को छोड़ के ऐसे ही चले गए। और पता है, ये सारे काम करने के बाद में मुझे जो है ना होरेन का बाल भी कटिंग करवाने हैं, उसको टकलू करवाना है। तो बस मैं जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ। अभी तो खैर फ़िलहाल वो सो रही है, तो बस मैंने उसको सुला दिया है। तब तक मैं अपने कपड़े वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जो है ना कपड़ों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और वो जब रोती है ना, तो फिर इतना ज़्यादा रोती है कि उसको फिर लेना ही पड़ता है तुरंत, तो फिर सारे काम जो है ना अधूरे रह जाते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं भैया से पूछ करके आ गई थी कि भैया आप होरेन के बाल कट कर दोगे क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर दूंगा। और तो बस मम्मी बोल रही थी मुझसे कि तू ले जा और बाल कटिंग करवा ला इसके। तो फिर मैं बोल रही थी कि नहीं मम्मी, तुम भी चलो साथ में, क्योंकि मैं अकेले कहीं नहीं जाती हूँ। तो बस मम्मी को साथ में लेकर के गई थी। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि शादी का सीजन चल रहा है, तो मेकअप तो ठीक है, बट नेचुरली ग्लोइंग स्किन ज्यादा बेहतर नहीं लगती। मेरे को भी लगती है। आई मेक श्योर टू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ माई स्किन। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को अपना स्किन केयर रूटीन दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। तो चलिए देख लेते हैं। सो चलिए गाइस, फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज क्लींजिंग, एंड फॉर दैट आई एम हैव स्टार्टेड यूजिंग न्यूड स्किन ब्राइटनिंग फॉर्मिंग फेस क्लींजर। दिस इज रियली एन अमेजिंग क्लींजर। सिलिकॉन ब्रश के साथ आता है एंड इन्फ्यूज है, विटामिन सी है, लिकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट है। विटामिन सी एस में मेन फंक्शन इज प्रोटेक्टिंग दी स्किन फ्रॉम इन्वायरमेंटल डैमेजेस लाइक अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं, एंड पॉल्यूशन फ्री रेडिकल्स इन द स्किन। इट इज स्कैवेंजेस फ्री रेडिकल्स एंड फाइट विजिबल साइन ऑफ एजिंग। लिकोराइस वर्क इज अ वेरी सिमिलर वे एन हाइड्रोक्यूनिन।
इट हेल्प रिमूव एक्सेस मेलानियन एंड ब्लॉक्स द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम दैट कैसेस पिगमेंटेशन इन द स्किन. दैट्स वाई इट इज नो एंड नेचुरल स्किन लाइटनिंग एजेंट. इट हैज स्किन सूथिंग प्रॉपर्टीज एंड वर्क वंडरफुल इन इम्प्रूविंग द लुक ऑफ एन अनइवन स्किन टोन लाइक रिंकल्स डलनेस. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कोलाजियन सिंथेसिस विच इज इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग स्किन यंग एंड फर्म. So here I have started cleansed my face properly with this skin brightening foaming face cleanser, and honestly guys, this is amazing, and my skin feels so nourished and smooth. So moving on to my next step, that is serum. So guys, serum are very important. A lot of people think serum is just a luxury, but let me tell you, aisa nahi hai. Serum are important because wo aapke skin mein directly apply hote hain. एंड इसलिए वो ज़्यादा टारगेटेड रिजल्ट देते हैं आपको. सो टुडे आई विल बी यूजिंग न्यूट्स कोलाजियन बूस्टर को एंजाइम क्यूटन सीरम. ये एकदम लाइट वेटेड है एंड 3 to 4 ड्रॉप्स ही आपके पूरे फेस एंड नेक के लिए सफिशियंट होता है. डेफिशिएंसी ऑफ सीओ क्यूटन रिजल्ट इन द स्किन इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस कोलाजियन विच गिव्स स्किन फर्मनेस एंड मेंटेन्स इलास्टिसिटी. COQ10 regenerates cells, stimulates collagen and provides biological energy inside cells to revive skin firm within. It is a critical nutrient for maintaining youthful skin and is a fat soluble antioxidant and enhances skin cells regeneration and proper structural integrity. This is amazing serum and also contains Matricyl 3000, a proven peptide that stimulates collagen production and gives that instant anti-aging effect. So I have applied it because I want my skin to look absolutely amazing all the time. And अब मैं इसे 5 मिनट छोड़ दूंगी लगा के so that ये properly absorb हो जाएगा मेरी skin के अंदर. तो चलिए अब चलते हैं अपने third step पर. So now let's move on this final step guys, and that is a nude premium tea tree facial mist. So before putting on my makeup, chahe everyday makeup ho ya fir koi function related makeup, I always use the face mist because ye bana hai tea tree oil and aloe vera se. ये स्पेशली बना है हमारे स्किन के एक्ने को रिड्यूस एंड ऑल्सो कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लामेशन. एंड आई फील दिस इज अ मस्ट हैव प्रोडक्ट एज वेल बिकॉज इट्स प्रोडक्ट धूल मिट्टी फेस करते हैं हम दिन में तो एब्सोल्युटली हमारे स्किन ड्राई एंड इची हो जाती है. सो हाइड्रेशन तो चाहिए ही ना. सो हेयर इन माई 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन गाइज. एंड ऑनेस्टली आई लव यूजिंग न्यूट्स प्रोडक्ट्स बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट्स एकदम टॉक्सिन्स फ्री है एंड बने हैं नेचुरल इन्ग्रीडियंट से. So I just love them. I highly recommended you all as well to try them out. I'm putting the purchasing link below so that you can buy them. सो गाइज मुझे लग गए थे दूसरे और काम और फिर तब तक जो है ना हुरैन भी सो रही थी लेकिन अभी हुरैन उठ चुकी हैं तो अभी हम लोग लेकर के जा रहे हैं उसको भैया की शॉप पर क्योंकि बिल्कुल पास में ही शॉप है. तो धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी तो मम्मी बोल रही थी इसके टॉवल लेकर के, तो टॉवल लेकर के इसको जाएंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है. तो बस यहाँ पे अभी हो रहा है ना बहुत ही अच्छे से जो है ना अपने बाल कटिंग करवा लिए हैं और अभी हम लोग घर लौट रहे हैं. गोलू गोलू गंजे हो गया. कितने नाखून मारे यार इसने. नाखून मुझे काटने पड़ेंगे इसके नाखून. अब दिख रहे हैं एकदम साफ. और आज हमने हुरैन को भी टकलू करा दिया है तो हुरैन अभी सो रही है और टकलू होके बड़ा एंजॉय कर रही थी वो. भैया को भी देख रही लास्ट में कि इन्होंने मेरे बाल ले लिए हैं. खैर अभी तो हुरैन सो रही है और आज भाभी भी जा रही हैं भैया भी जा रहे हैं. आज सगाई है उनके बड़ी मम्मी के बेटे की तो बस इसीलिए जो है ना वो धौलपुर जा रहे हैं तो वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं अपने जाने की. और बस अभी घर में रह जाएंगे हम और मम्मी तो आज बड़ा सोना सोना सा लगेगा पूरा घर क्योंकि सब लोग जा चुके. पापा गए हैं ड्यूटी, जैकी भाई गए अपने काम पे और बॉय भाई की सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है. कभी कभी जुमे की भी छुट्टी रहती है उनकी, मतलब फ्राइडे की भी छुट्टी रहती है तो वो आ जाते हैं.
बस सगाई अटेंड करनी है उनको, फिर वहां से वो लौट आएंगे। और अभी गर्मियां हैं, गर्मियां आज सबसे ज्यादा टेम्परेचर है मुरैना में, सभी जगह पे ही है मुझे लगता है 47 टेम्परेचर है भाई। इतनी गर्मी है कि पानी खौल रहा है, इतना गर्म पानी हो रहा है। मैं पता नहीं अचानक से नहाने गई और मैंने जैसे ही टैप खोला वैसे ही इतना गर्म पानी, मैंने भाई मम्मी से बोला मम्मी आप तो वही मोटर चला दो, मैं ठंडे ठंडे पानी से ही नहाऊंगी, बहुत गर्मी है भाई बाहर तो बहुत ही ज़्यादा। आप लोग भी अपना ख्याल रखें, अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं तो डायरेक्ट ठंडा पानी मत पीना ठीक है कभी भी, क्योंकि ना उससे सर्द गर्म हो जाती है और फिर बीमार भी हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखें, डायरेक्ट एसी में नहीं जाना है, डायरेक्ट ठंडा पानी नहीं पीना है ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है भैया। हम सेफ हैं तो हमारे हमारा परिवार भी सेफ है ना, इसलिए, क्योंकि जब परिवार में से किस कोई एक बीमार भी हो जाता है ना तो फिर पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इसलिए अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें, है ना। तो बस चलिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अभी दोपहर में तो सारे सारे काम जो है निपट जाते हैं, तो बस फिर लगता है कि सारे काम जब हो ही गए तो फिर सो जाते हैं। तो थोड़ा सा नींद मैं भी ले लेती हूँ क्योंकि अभी हुरैन सो गई, और आज रात में हुरैन ने बहुत परेशान किया है, बहुत लेट सोई है वो। और उसका मतलब मैं बताऊँ रोज का ही नाटक है, आप लोग सोचे होंगे कि मैं अपनी बेटी की बुराई कर रही हूँ, लेकिन उसका रोज का ही है तो मैं क्या बोलूँ अब उसके बारे में। बच्चों का हम रूटीन चेंज नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप ही होता है उनका, हम चाहे जितनी जल्दी कोशिश कर लें उनको सुलाने की लेकिन वो नहीं सोते हैं। तो ये भी है हुरैन का, तो आज जो गया ना सुबह के टाइम में वो सोई है तो फिर उठ गई थी, फिर उसने फीड बीट लिया, फिर उसके बाद में जो है 12 बजे उठी, तो 12 बजे फिर हमने इसकी कटिंग करवाई, मतलब टकलू करवाया इसको, फिर नहलाया धुलाया और ये फिर से सो गई है। तब जब तक ये सो रही है फिर मैं भी सो जाती हूँ, वरना फिर मैं नहीं सो पाऊंगी, फिर शाम हो जाती है तो फिर सोने का मन भी नहीं करता है, तो इसलिए मैं भी सो जाती हूँ। चलो